शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शो नहीं है, चैट शो है, वो भी कॉमेडी वाला। भारती जी देखो अपना शो लेके आई है, सब दर के क्वीन है, ये सबकी बात लगाई है। भारती का शो आज आपको गौरव गेरा एज ए लड़का देख के बड़ी खुशी हो रही है। गौरव, आपके बहुत सारे वीडियो मोबाइल पे ही होते हैं, ऐसा नहीं कभी लगता कि वाईफाई बंद हो जाए तो आपका शूट कैंसिल हो गया? वाइफ ना आए चल जाएगा, लेकिन वाईफाई के बिना नहीं चलेगा। बारिश का मौसम है, तुम्हारा कभी मन नहीं करता? नहीं, मन तो करता, लेकिन वो नहीं है मेरे पास। है मैंने कभी दिखाया नहीं है, हरी इज एक्चुअली एलियन। मेरे दिमाग में वो एक मार्स से आया हुआ है, हरे रंग का है, तो कभी फूल बन जाता है, कभी पत्ता बन जाता है, कभी चूहा बन जाता है। तो सी आइडिया यही था, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर रही थी जो मैं कहीं से भी कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे एक शहर में बंद के नहीं रहना, मुझे एक स्टूडियो में बंद के नहीं, मेरी लाइफ मुझे चाहिए। मैं 3 महीने दुबई रह गया, 4 महीने गोवा रह गया, गुड़गांव रह गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं चाहता हूँ वैसा चाहिए। सच में और लड़की बनना भी मजबूरी है, क्योंकि मैं रात को किसी आपको फोन करके नहीं बोल सकता हूँ रात को 2 बजे भारती एक आइडिया आया है, विल यू बी पार्ट ऑफ इट। मुझे लड़की भी खुद बनना पड़ता है, बुड्ढी भी खुद बनना पड़ता है, बच्चा भी खुद बनना पड़ता है, तो इसलिए नहीं भाई, आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और चेक भी व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं आप मुझे। तो आप कितनी महंगी पड़ोगे मुझे, आई कांट अफोर्ड भाई। 15 लाख ज्यादा होता है क्या? ये तो मेरे 2 साल की कमाई है, वो भी 1 सेकंड की वीडियो का, ज्यादा होता है क्या? 11 लेंसेज दिए जो सिर्फ मेरे पास, तो जैसा आपके फोन में दिखता है लेंसेज, मेरे पास उसके डबल। मेरे पास मर्सिडीज है भाई, शाहरुख खान। ए बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं सेनोरिटा। इन्होंने धोए नहीं हुए थे। मेरा पहला शो था लाइफ नहीं है लड्डू, स्टार प्लस में था। अच्छा, लाइफ नहीं है लड्डू। हाँ, तो उसमें लड्डू मैं था। नहीं नहीं, फ्लॉप हो गया था। आमिर का धूम 3, वो कहाँ पहुँच गए? और आप मतलब अपना शो लेके आई है, सब डर के क्वीन है, ये सबकी बात लगाई है, हर दिन देखो अपना शो लेके आई है। कैसी हो तुम? मैं मोटी हूँ, तू कैसी है? मैं भद्दी। वो 302 फ्लैट में जो रहती है ना, उसका अफेयर उसके ड्राइवर से चल रहा है। 302 में तो तुम रहती हो? मैं अपनी बात कर रही हूँ, चुगली अपनी जगह और इज्जत अपनी जगह। बात तो सही है वैसे। सुन भारती, तेरी नई नई शादी हुई ना, तुझे एडवाइस देती हूँ। क्या? पति को पूरी बात कभी नहीं बताना। देख, जैसे दूध आता है 18 रुपए लीटर, पति को बताना 20 रुपीज लीटर, 2 रुपए खोपचे में। खोपचे में? अच्छा अच्छा, इसको खोपचा कहते हैं? खोपचे में। और ऐसे 2090 में तेरा अपना फ्लैट होगा। नहीं नहीं, अगर पति को पता चल गया तो? तो क्या हुआ, 2090 में तो बूढ़ा होगा ना, बूढ़ा क्या उखाड़ लेगा। चुटकी तुम भी ना। सुन सुन सुन, ज्यादा चुगली नहीं करते, क्योंकि चुगली की वजह से मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। ओह नो। चुगली की वजह से? वो कैसे? उन्होंने ना अपनी बीवी के कान में बोल दिया, तेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। बच रहे थोड़ी थे। सो क्यूट यार। चल चुगली नहीं करते। चुगली नहीं? एक मिनट, ये रेड और ये ब्लू क्यों? ये मैंने लिपस्टिक और ड्रेस से मैच किए हैं। और ब्लू? ये अंदर की बातें सब थोड़ी बताऊं। अच्छा, तो ये रंग की। तुम तो बड़ी शेप में लग रही हो। थैंक यू। तुम भी बहुत कड़क लग रही, बड़ा कड़क फिगर है यार। कौन से जिम में जाती है चुटकी? ये लोखंड वाला अंधेरी है ना, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, और गांव में अखाड़ा है, वहां पे जाके मैं पहलवानों के साथ डंड मारती। क्या मारती हूँ? डंड पहलवानों के साथ? वो जो लंगोट वाले? हाँ, वो तिखी तिखी चटियां। ए भगवान। It's fun, you must try. अच्छा सुटकी, ये बता, तेरे दिल में बाल के अलावा और क्या आता है? सिर्फ बाल नहीं बाबा, पिंपल भी आता है। I'm very pimplastic. अच्छा मैं जाती हूँ भाई भारती, मुझे जाके और भी बहुत जगहों पे चुगली करनी है। सच्ची? चुटकी, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का। अच्छा वादा करो, फिर कब आओगी? जब तुम बुलाओगी, तुम्हारे घर पे ही आऊंगी। सच्ची? मैं तब फोन करूंगी जब हर्ष नहीं होगा।
नहीं नहीं मैं हर्ष के लिए आऊंगी ना, वरना क्या फायदा। चलो रक्षाबंधन आने वाला हो तब बुलाऊंगी मैं।